कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल तप और साधन क्या जाने जब तप और साधन क्या जाने हम शाम के नाम की दीवानी व्रत नेम के बंधन जाने हम ब्रिज की भोरी ग्वालनिया हम ब्रिज की भोरी ग्वालनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने जाने
हे गोपाल हे गोपाल। मैंने श्याम सुंदर संग प्रीत करी, मैंने श्याम सुंदर संग प्रीत करी, जग में बदनाम मैं हो गई, जग में बदनाम मैं हो गई। कोई एक कहे कोई लाख कहे, जो हो सो तो हो गई। कोई सच कहे कोई झूठ कहे, मैं तो शाम पिया की हो गई। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, मैं तो दासी तुम्हारी हो गई। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, मैं तो दासी तुम्हारी। जंगल में
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੋਸਾਈ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਹੰਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਚਰਨਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਰ ਸੰਤਾਂ ਤਰਫ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਧਾਮ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਭੀ ਬਾਹਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਹਿਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਕਤ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਜਨੀ ਸਵਾਮੀ ਵਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਵਿਰਕਤ ਮੰਡਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ੍ਰਾਮਪੁਰ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਧਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਜਨੀ ਸਵਾਮੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਿਮਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਗਿਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਦਰਸ਼ਨਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਵਾਮੀ ਰਤਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਸ਼ੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ 113ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਦੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਲਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸਭੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਉਤਸਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
प्रबंध करने की मेरी जितनी हिम्मत है अपने अपने हिम्मत ला के इस सभी समागम के अवतार उत्सव के प्रोग्राम में बहुत ही समय रूप में शांति रूप से संतान बहुत ही सोनी व्यवस्था के नाल सतगुरु जी के नाम पर सत अखंड पाठा के प्रोग्राम पूर्ण करने भंडारे की व्यवस्था ठीक रूप रखने एक महीने तो ही तकरीबन प्रबंध चल रहा है। खुशियां दे एक महीने का पता नहीं लगता ब्याह की क्या खुशी होती है, खुशी थोड़ी खुशी होती है ब्याह के कारण एक बोले ना मात्र खुशी है। अरे सब अवतार उत्सव जेडे के तलोकी के मालिक हैं तलोकी नो बेअंत बेअंत दाता संसार में जाके वर्ष के दाते बन के संसार के आए हैं उन्हें सतगुरों का अवतार उत्सव मना रहे हैं। दूसरे चरण में सतगुरों की पवित्र याद के जो संपाठ संपूर्ण हुए हैं अगले चरण के दो वचन पाठ आरंभ करने हैं संपूर्ण करके सभी संगतान की बधाई है। खास करके मैं इस ट्रस्ट को सभी पिंडवासी संगत को साढ़े पिंड की संगत के नाल रामपुर कला रोहमाना गंडोरा सासपुर चंगड़िया महेसरा हरिपुर साढ़े इलाके की संगत जिस दे नाल कंडी तो मालेवाल या होर संगठन पसंद करते सहयोग कर रहे हैं। सभी बंदीशोर माता जी अवतार भूमि की सीमा के अंदर जो भी सतगुरु जी के समागम में पहुंच गया वो बधाइया का पात्र है, उसनों सभी को बधाइया देते हैं। सब तो बड़ी बधाई बंदीशोर माता जी की अमृत निर्माण का उच्चारण करने वाले पाठियों की है। इस बार सतगुरु जी के प्रेमी हंस पाठी उन्होंने पवित्र नीति में संभालिया जिस एक दरवासा उदे छे पाठी ठंडी के इलाके को दूसरे दरवासा उदे छे पाठी बीच के इलाके को पहुंचे हैं। एक एक पाठी बढ़िया श्री जी राज वाले सतगुरु जी के दरबार में बहुत ही श्रद्धा नाल प्यार नाल साथ करते हुए इन्ह दिनों के सतगुरु जी के जाप संपूर्ण किए हैं। ये मेरे बंदीशोर महाराज सतगुरु पुरी वाले महाराज के नाम का जाप है, ये किसी वालों नहीं है, मेरे वालों नहीं है, किसी होर वालों एक वालों नहीं है, ये सतगुरों के नाम पर है। तो सतगुरु जी का समागम है, उस समागम के अखंड पाठ सत्संग भंडारा उस दे क्या है खुलिया भंडारा कैब का बिन चिठी बिन नाम, ना किसी को चिठियां पढ़िया गई हैं, ना किसी का इतने नाम है कि प्रोग्राम हो रहा है।
देवदास मुक्ता तुले ताने के सो पर जाओ। कबीर साहब महाराज ने काशी में एक पंडाला लगाया था। केशव शाहूकार सतपुरुष साहब के वालों कबीर साहब महाराज ने एक दूसरा रूप केशव शाहूकार का बना के काशी दे भंडारा किया था। उस समय कबीर साहब महाराज का कंगारे पार के बैठे थे। उन्होंने ये अवतार दूसरे दस रहे हैं वो भंडारा कौन कर रहा था ना तो कबीर साहब महाराज ने किसी को चिट्ठी पाई ना वो कहते मेरे को ये भंडारा है कोई चिट्ठी नहीं कोई नाम नहीं कोई पत्र नहीं। भंडारा ऐसा होया कि गरीब दास मुक्ता तुले मुक्ता मोती मोती के तोल तोल के देते जाते सन गुदरी कहने कर कर सीधा देत है गौड़ी गौड़ी और बिलावल लेत है। जिन्हें भी संसार के महान पुरुष से दूर दूर तक पहुंचे हुए थे सब नहीं कोई प्रार्थना थी कि राग गौड़ी राग कौड़ी राग बिलावल देने किसी राग दे उस मालिक की उत्पत्ति करो और भंडारा कपड़े गहने रख के सीधा रख के सब कुछ ले जाओ लेकिन उस मालिक की उत्पत्ति करके सुनाई जाओ। आई गुस्सा किसी राग में भी बोलो उस मालिक का जस गाओ और जो चीज चाहिए सो लो। तो सतगुरु के नाम का भंडारा था ये भी सतगुरु पूरी वाले महाराज के नाम का भंडारा है। असिका मंदिर छत्र साया खुलिए नटदौर कर रहे हैं भी है कन्न वाला मालिक है ये सतगुरु पूरी वाले महाराज जी छत्र साया खुले हो रहा है। छत्र साया खुले होना प्रोग्राम है ना अवतार उत्सव है उन्होंने भी छत्र छाया तले हो गया। फिर द्वापर युग के मुख्य अवतार भगवान कृष्ण चंद्र महाराज ये देखिए विष्णु विशंबर नाथ चतुर्भुज नाथ वैकुंठ वासी भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज सोलह ही कला संपूर्ण थोड़ा ही कला संपूर्ण सब कुछ हमारे खेल ऐसे ऐसे लक्षण हुए इस संसार में जो कि हमें भगवान जो दे बच्चों में बच्चों जैसे और जिसमें जो उपदेश करने लगे तो महापाल के युग में रथ के उत्ते खड़े हुए हैं वो गीता का उच्चारण किया जरा कि अज तक उसके रहस्यों अनेक विद्वान व्याख्या कर रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप में कर नहीं सकते। बाणी दोहां सेना के विचाले रथ के उत्ते खड़े करके खड़े होके गीता का उच्चारण ऐसे लक्षण बता किसी दिशा में भी आनंद लो इसी पास भी लो तो हर गल पूर्ण सन ऐसे सोलह कारण संपूर्ण साढ़े भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जिन्होंने लिए सतगुरु गरीब दास महाराज जी बाणी में बेअंत 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 लीला ज्ञान कर ऐसे पूर्ण नाम शहर का संसार में अवतार होया डॉक्टर गुरु देव जी का अवतार दिन है परसों और सतगुरु भोरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी का अवतार दिन है। ये दोनों महान शक्तियां का अवतार दिन है
थोड़ी बात हो गए बंदे रखे लाई बात चलता नहीं है, ये सतगुरु ही कर रहे हैं। सतगुरु ही आप इस कार्य में पूरी कर सकते हैं। संगता की लाज सतगुरु जी रखते हैं, संगता की सेवा सतगुरु जी प्रदान करते हैं। समागम में शांति सुख आनंद बंदिशोर का बख्शा होया है। साडे प्रेमी सतगुरु के दरबार में ये शब्द उच्चारण करते हैं कि आनंद ही आनंद बस रहा बलिहारी ऐसे शब्द ऐसे सतगुरु के बलिहार जाइए जिन्हों के दरबार में आनंद ही आनंद बरसता है। खुशियां नित नवियां सतगुर के दरबार खुशियां नित नवियां ऐसा है। आनंद का खुशी का सतगुरी वाले महाराज का दरबार है। फिर दूसरे चरण का एक प्रोग्राम शुरू होया है पूर्ण होया है और तीसरा चरण जरा है उस तीसरे चरण के सहब की अमृत करने वाली पवित्र रात बाणी जी है वो पाठी है उच्चारण करते हुए परसों संबोधन करेंगे। कुछ देर बाद अगले चरण के जाप प्रारंभ किए जाएंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जिस वेले सतगुरु पुरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी ने अखंड पाठों की मर्यादा पर चलन की थी, पहला अखंड पाठ नहीं होंगे सन। 1926 तो जब उन्होंने रूप के संपूर्ण रूप के संपूर्ण करके शुद्ध करके दो दरबार साहब स्वामी संतरा महाराज के हाथों लिख के सतगुरों के हुक्म तैयार होए उस समय अखंड पाठों की परंपरा इन्होंने प्रारंभ हुई। अज भी दरबार साहब सतगुरों के एक राम प्रधाम के दूसरा शराणी धाम के मौजूद हैं। तो सतगुरु भोरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी ने इस समय इस मर्यादा को प्रचलित किया। शराणी धाम ने भी प्रचलित हुई थी उस समय सतगुरु जी ने कहा था कि जो बाणी को पढ़ने वाले पाठी हैं शरीर की कपड़िया की बाहरी शुद्धि तो जरूरी है ही अंदर की शुद्धि भी बहुत हो गए। मन की शुद्ध करके शरीर को भी कपड़िया को शुद्ध करके सतगुरु जी की अमृत में बाणी बननी है। जो पाठी सतगुरु जी के समय के जो पाठी पाठ करते सन सतगुरु जी उन्होंने इन्ना सत्कार देते सन कि जो पाठी पाठ कर रहे हैं इन्हों की खान पान की रहन की जो सेवा है सब तो ज्यादा कामना की जाए क्योंकि पाठी की जी सेवा है पाठ करने की ये बहुत ही उच्ची और सुखी है। अगर पाठी शुद्ध अंदर मन शुद्ध हो गए सतगुरु जी की बाणी का उच्चारण करता है तो उसकी बहुत बड़ी सेवा ऐसा सतगुरु पुरी वाले महाराज जी ने सारी संगत में एक मर्यादा दसी थी। तो पाठियों की बहुत बड़ी सेवा है जैसे कि प्रेम नाल श्रद्धा नाल पाठी पाठ कर रहे हैं गुरुआ के दरबार में जी साढ़े पूजनीय गुरु भाई स्वामी रामदास जी महाराज सुखदायक सहित पाठ के रूप में शीशे की बेदी में एक सहज पाठ प्रारंभ कर रहे कार्यक्रम किया होया है। हर समस्ते जी को पाए जाएंगे क्योंकि सत पाठ सतगुरों के नाम पर सत्य संपूर्ण करने का ऐसा संकल्प है। तो गुरु प्यारी सिंह जी सतगुर बंदीश और माता के दरबार में
हाजिरी लाके शहर में दरबार में शहर के दर्शन करते हुए इनके सभी जी ने अवतार लेके आप इस जगह इतनी 22 साल तक शाम के समय जोत भी जगाते रहे, अपने पवित्र चरण पाते रहे। ये धरती है इनके सतगुरु जी आप जोत जगाते सकते। अज उन्होंने नाम पर अखंड जोत चल रही है। बंदीश्वर माता ने इस दरबार में अपने अवतार सब तो प्रथम दर्जा दिता है। राम प्रधान की संगत को इस दरबार की सेवा कर वास्ते सब तो प्रथम दर्जा दिता। गुरुआ ने दूर दूर का संतान शहर के दरबार में जोड़ के इस दरबार में सेवा के सेवा करके जीवन समर्पण करने के हुक्म किए हैं। सारा कष्ट भी गुरुदेव महाराज जी का कृपा पात्र शिष्य हैं। पिंड वासी संगत सभी गुरु महाराज के बहुत ही शक्तिवान प्रेमी सेवक हैं। पिंड की सेवा के बारे मैं दस नहीं सकता। जिस तरह नीम के पत्थर सारी पिंड के भार में बैठ खड़े होंगे हैं, लेकिन नींद जो पत्थर है दिखाई नहीं देंगे। बिल्डिंग दिखाई दी है लेकिन नींद पत्थर दिखाई नहीं देंगे। आज एक गौर में देखिए तो सारी बिल्डिंग का वजन उन्हें नींद पत्थर के तो होता है। इसी तरह पिंडवासी संगत की सेवा समागम की नहीं 12 महीने 20 दिन चलती रहती है। हर तरह के नाल दुख की सेवा, अनाज की सेवा, धन की सेवा, हथी सेवा, राम को तांबे अवतार तांबी ये अखंड ज्योत की सेवा पिंडवासी संगत ने समझी है तांबी है। कुटिया दे दरबार की सेवा से अपना अपना जोत की सेवा जी है संगत वालों है। पर सतगुरु के दरबार में सेवा जी है वो थोड़ी सेवा नहीं कि थोड़े जी सत सत्तर घर जो पेंदे वही संभाल लैन। इस सारी संगत की लोड़ पड़ी तो सारी संगत अपने पैसा का मुताबिक दूर नेड़े को बिना कहे थे बिना प्रेरणा की सब संगत सेवा कर रही हैं। ये जो अज का प्रोग्राम शुरू हो रहा है ये तकरीबन 12 संगत जी है शुरू हो जानी है। कल और भी संगत का 12वां आगमन है, महान पुरुषों का आगमन है। तो इस मौके पे सभी सेवादार ने मिलकर शहर के दरबार में आए हुए संगत की सेवा करनी है। जिते असं महान पुरुषों के आए हुए दर्शन करते हैं, महान पुरुषों के दर्शनों का पुण होंगे है, क्योंकि महान पुरुषों ने अपना घर बार त्याग के एक प्रभु के नाम पर अपने जीवन में लाया। उन्होंने नाम का सिमरन जिसकी बदौलत महान पुरुषों के दर्शन करके संतान को महान मिलता है। लेकिन सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी कहते हैं कि ऐसा ना समझ रहे हो कि जिन्होंने घर बार त्याग के महान पुरुष बन गए भगवें देश में चल गए विश्व जीवन त्याग दिता वही महान पुरुष है, दूसरा कोई महान पुरुष नहीं है। सतवादी सब संत हैं। आप अपने धाम आज की अरदास है सब संत प्रणाम।
साहिब जिन के कुर्ब से रूप कप नहीं अंग, तिनका दर्शन दान है काम करने के कारण। जिस भी प्राणी के अंदर बिजती है चाहे त्याग नहीं है, चाहे कृष्ण त्याग के महापुरुष बन चुके हैं, चाहे कृष्ण भी चाहे जिसके हृदय साहिब बसता है, इस दहेज में जो उस मालिक का सिमरन है और फिर देव जो सच्चाई है, चूर कम नहीं भरिया हुआ है, चूर कम तो बचा हुआ है हृदय तब तक चूर इस गंदगी तो हृदय बचा हुआ है, उस साहिब का सिमरन है मन थोड़ा ही करता है, टाइम मिलता नहीं लेकिन करता है। बस कैसे ऐसी आत्मा तो कहते टिके को पैदे हो गए, चाहे लाल में जो भी काले हो गए, चाहे पीले हो गए, ऐसी आत्मा यही है, उन उसी दर्शन कर लीजिए, उन उसी देख लीजिए कि बंदीश्वर माता कहेंगे इनका दर्शन महान है, कहाँ पर भी फिर गंगा जी पर भी पिछे मिलेगी तो पर भी या पुण्य देखने मात्र का प्राप्त हो गया। इसलिए जितने से महान पुरुषों के दर्शन करके उन्होंने प्राप्त कर रहे हैं उतने सतगुरु के प्रेमी श्रद्धालु श्रद्धावान सतगुरु के प्यारे सतगुरु चोरी वाले महाराज के चंद कमला के सेवक जिन्हें भी संगत आती है उन्होंने दर्शन करके उन्होंने सेवा करके असं अपने जीवन में सफल करना है। इसलिए सतगुरु जी का अवतार उत्सव मनाया जा रहा, गुरु का हुक्म होया, सतगुरु जी के झंडे सतलोक के झुलते हैं, तो सतलोक वासी हैं, सतलोक में झंडे झुलते हैं, सतलोक में झंडे झुलते हैं, सतगुरां की शोभा से क्या कर सकते हैं। सूर्य की शोभा एक जुगनू गटियाना क्या कर सकता है, पर जिन्ना भी है हिम्मत करिए, जिन्ना भी है हिम्मत करिए, सतगुरां दे नाल मेरे होण दी उन्हां दी सेवा करके जीवन विच साडा भला, इसी लक्ष्मण बैठे असीं सभी सेवादार, इस दरबार दे सेवादार, कच्छ निवासी संगत सहयोग वाली संगत का सबका सभी ट्रस्टी मेंबर अपनी अपनी जगह, सभी महान हैं, सभी बड़े श्रद्धा के नाल अपनी अपनी समर्था के अनुसार इस समाधि में जाके सहयोग दे रहे हैं। इस तो अलावा जिनी संगत है सबका ही अपने अपने हिसाब का सहयोग है, मैं किसी का भी एक का दो का चौह का नाम ना लगा, क्योंकि नाम लेने के मैं बहुत ज्यादा नाम सुन सकता हाँ, सतगुरु के दरबार में बहुत प्रेमी सेवादार होते हैं, इसलिए सतगुरु जी के दरबार जो सत्तां दिन का सत्संग का प्रोग्राम करता है उस प्रोग्राम के मेरा ही संकल्प था कि जैसे कि हूँ तक 42 साल हो गए सानू शुद्ध होकर तो रहे 42 साल गुरुआ की संगत के बचों जो जो कुछ मैं सुनता रहा, गुरुआ द्वारा लिखे हुए जो जो भजन मैं पढ़ता रहा, कम से कम मैं संगत की सेवा के ज़्यादा की सेवा नहीं कर सकता तो मैं अपने बंदीश्वर महाराज जो रूपा प्रसाद की कृपा करने वास्ते आए हैं उन्होंने सुनया हुआ जो भी जस है उन्होंने जीवन लीला है, मैं अपने टुटे टुटे शब्दों के संगत में मूहरे बोलता रहा कहता रहा तो मेरी यही सेवा होगी। सो
उदास माता जी की लीला कल शाम तो प्रारंभ हुई। उन्होंने लीला का महीनिया बजे भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अस थोड़े जे समय में संक्षेप के पूरी करनी करनी है। शाम को सतगुरु गरीब दास महाराज जी की जो लीला चल रही है उसका विख्यान जरा है 6 बजे तो प्रारंभ होगा। 7:30 बजे तो 8:15 बजे तक आरती होगी और भंडारा प्रारंभ होगा और आरती के संपूर्ण होते सार ही सतगुरु जी के दरबार में भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के अवतार संबंधी उन्हां दी महिमा संबंधी शब्द गायन सतगुरु धुरी वाले महाराज के महिमा के शब्द गायन वास्ते जो पार्टी आ रही है स्वामी कृष्ण आनंद महाराज जी के कृपा पात्र पालक बेहद जी अपनी मंडली समेत आरती उपरंत बाद 10 बजे तक और संतान सतगुरु जी की महिमा के शब्द सुनाएंगे। 10 बजे संपूर्ण होगा प्रोग्राम, तो इस वे शाम 6 बजे को लेके 10 बजे तक का जो प्रोग्राम है इन्हों भी असं सुनना है। भंडार के सेवादारा ने सेवा भी करनी है, तो अज का जो प्रोग्राम है ये इतना ही है। कल का प्रोग्राम जरा उस शाम को दसाया जाएगा बंदी शो शहर महाराज इस पावन दरबार के दो अखंड पाठ प्रारंभ करने हैं। साढ़े तारण हासिल गुरु ऐसे गुरु के बल बल जाइए जो आप मुक्त मोहे तारे, जो आप मुक्त हैं आप शून्य हैं। ये प्राणी ऐसे मुक्त पुरुष ऐसे पूर्ण पुरुष के जन कमान का ध्यान करता रहे, जिन चाहे कितना भी गुनागार हो गए हो उसका कल्याण हो जाता है। पास के नाल सोना चाहे टकिया हो गए चाहे पकिया हो गए जिदा का भी होगी जो नाल टच हो जाए तो मैं सोना नहीं एक सोना मिल जाए। पास के नाल सोना कोई अमरजा ने चाहे घटिया हो चाहे बढ़िया हो चाहे किसी किस्म का लोहा हो सोना बन जाना, इसलिए पूर्ण सतगुरु पूर्ण सतगुरों की शरण लैके प्राणी इस जीवन में उतर जाता है। ताही पंचम पातशाह गुरुदेव महाराज ने कहा है या तो हर रंग लागो इस युग में सो कहिए है सूरा आत्म जने सकल वस्ता के जाता सतगुरु के नाम। जिसन पूर्ण सतगुरों के प्यार का रंग इस युग में लग गया असल धनवान असल सूरमा वही है। इस कलयुग के जिसनों उस प्रभु की शक्ति का रंग लग गया वो सूरमा है। आत्मा सतगुरों ने दिया कृपा न जिन्हें भी संसार के आत्मा हैं सतगुरों के पूर्ण सतगुरों के चंद कमलों जुड़ के नाल सारिया नौकरियां लगदिया जिन्हिया आत्मा हैं सारिया आत्मा अपनिया भी लगदिया जिरा सतगुरु पूर्ण होंगे। महाराज गरीबदास जी ने पानी
मध्यांचल के मध्यांचल कहने का उपयान मुर्गियान पैदान पवित्रान गिरियान जानवरान मशियान सारे दान करके दिया इन्हें भी जीवात्मा ने इन्हें नाम आया है उन्होंने नाम आरो किसी जीव की हत्या ना करो आत्म प्राण को दाहिनी ऐसा करना हो सकल हमारी आत्मा देवता उपजा जीव सकल हमारी आत्मा देवता उपजा जीव देवों से भी देन ऐसा तो उपाय होती दुनिया की आत्मा है सब देवियां हैं किसी आत्मा की हत्या ना करो किसी में दुख ना दो ऐसी सत्री को सुना है पानी में मनाने वाणी की देख इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पोषण है तो सारी आत्मा ने अपने आत्मा के लिए जरा सतगुणा का बन जाता है वो भी सारे अंदर मित्र बन जाता है जिसमें पूरे सतगुरु बन जाते हैं भक्ति का रंग मुझे हृदय दिखाई जाता है इस कल्प में जो आत्मा महान है इसलिए पूर्ण सतगुरा ने मान खालो लड़ खालो ज्ञान खालो ताकि सारा जीवन सफल हो जाए इसी बात पर समागम सतगुरा में अवकाश तो मिले हैं तो इस मौके पर बंदिश को महाराज के दरबार में कहीं अपनी संतान बहुत बहुत सुनाइया साढ़े ग्यारह बजे का समा हो गया है अगले चरण में जाप शुरू करने वास्ते हाउ में सभी खड़े हो गए सतगुरु बंदीश और वीर सामदार सतगुरु बंदीश और वीरदास महाराज जी सतगुरु बंदीश और वीर वाले ब्रह्म सागर महाराज जी सहन जी के चरण मनाने प्रार्थना करिए कि बंदीश्वर महाराज आप भी पवित्र वाणी का जाप आप भी पवित्र याद में सूचना करते हैं दया कृपा करे वो सभी संतान पे सभी की रक्षा करते हुए सभी की लाज रखते हुए इस वाणी के जाप के आज नाम बंदीश्वर महाराज का पूर्ण करना ऐसी प्रार्थना करते हुए दस मिनट के लिए श्रद्धा का उच्चारण करो वो सतगुरुदेव की जय आगे साहेब तेरे आगे असी वंदना करते जी
Yeah.
Yeah.
भोजन भंडार दे विच सभी संतान भोजन करन गया 2 बजे तो लैके 4 बजे तक 4:30 बजे तक शहनशाह जरूर सतगुरु ग्रंथ सागर जी पुरी वाले महाराज जी की इस रामपुर धाम के नगर विखे बहुत ही उत्साह के नाल शोभा यात्रा का आयोजन होगा। इसलिए सतगुरु के दरबार में बैठी हुई संगत, लागे पिंडा की संगत, बीत की संगत को भी पता है, कंडी की संगत को पता है, साडे दंदूड़ी की संगत को भी सब नूं ही सूचना मिली हुई है कि कल सही 2 बजे कुटिया के दरबार तो सतगुरु धूरी वाले महाराज जी की एक दिव्य झाकी समेत सभी संगतां सतगुरु जी दे बचपन दे विच बनाई हुई पानी की पूरी और बौड़ी उन्होंने बचपन की खेलदियां की निशानी है, जिहड़ी कि एक बहुत उस पानी के अंदर विशेषता है। उस स्थान से शोभा यात्रा कुटिया तो चल के बौड़ी सतगुरु जी की जो पूरी है और बौड़ी है उत्थे संगत पहुँच के जिन्हें भी कुंभ वाली कन्या हैं वो सतगुरु जी के उस पवित्र जल में भर के कुंभा समेत सारी संगत जिदे विच एक दो कीर्तन मंडलियां भी होणगियां सीधे बॉडी तो चल के सतगुरु जी के महान भूमि महान दरबार अवतार स्थान की चार चपेरे जो फिरनी है सड़क है इस पर पूरे बैंड बाजिया के नाल सतगुरु जी की शोभा यात्रा कटी जाएगी, जिस विच सभी इलाके की संगत शामिल होणगियां और फिर चाह पानी का प्रोग्राम जिहड़ा होगा उस तो बाद 6 बजे शाम के 6 बजे तो लैके सत्संग आरती भगवान कृष्ण भगवान के अवतार संबंधी भजन 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा और परसों सवेरे 6 बजे सूरज उदय होते सार भगवान कृष्ण चंद्र महाराज और सतगुरु धूरी वाले ग्रंथ सागर महाराज जी की सभी महान पुरशां समेत संगत आरती उतारते हुए सतगुरु जी के अवतार के समय से साहब के दरबार में सभी संगत सतगुरु जी का अवतार का समा जिहड़ा है उस समय हाजिर होकर सतगुरु जी का अवतार के खुशियां के शब्द गाणगे। सो हुण साडे बहुत ही प्रेमी बहुत ही निम्रता वाले गऊ सेवा दे लई अपना तन मन धन अर्पण करने वाले स्वामी कृष्णानंद महाराज जी जो उस समय तो अलोप हैं अज्ञात वास विच हैं, जिस दिन सतगुरां की मौज होगी फिर गऊ सेवा दे विच हाजिर हो सकते हैं, जिन्हां द्वारा एक बहुत बड़ा गऊ सेवा का मिशन जिहड़ा है और शुरू किया गया है, जिसनों इस समय संगत कमेटी द्वारा गऊ रक्षा कमेटी उतों की गऊ मिशन गऊ सेवा मिशन की कमेटी ट्रस्ट इलाके की संगत उन्हां द्वारा गऊ सेवा का जिहड़ा मिशन है उसनों चलाण दे विच कोशिश विच लगे हुए हैं, लेकिन कमांडर तो बगैर फौज का जो हौसला है अद्धा हो जाता है।
सतगुरपुरी वाले सहबंदीशोर महाराज जी मौज होवेगी। तो ये ऐसा एक बहुत ही पवित्र गौ सेवा का कार्य उन्होंने कृपा दया न चलता रहेगा। अज बेशक इस समागम के पहुंचे नहीं हैं, उन्होंने दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए सानू याद आता है साढ़े इस दरबार में तो सतगुरु जी की बहुत ही शोभा यात्रा के रूप में पहुंचते सन संगतान को लैके। लेकिन शोभा यात्रा चाहे बीत तो शोभा यात्रा आती है, कंडी तो शोभा यात्रा आती है, साढ़े इलाके की संगत की शोभा यात्रा दरबार में आती है। इस बार इतने ही रामपुर धाम के दरबार की जी पवित्र भूमि है, रामपुर की ही भूमि के दो ढाई घंटे के लिए शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है। सो सवेरे 9 बजे तो लैके लगातार शाम रात के 10 बजे तक सतगुरु जी के दरबार विखे महान पुरश भी पहुँच रहे हैं, संगत पहुँच रही हैं। शोभा यात्रा में सभी संगत मिलके मंदीशोर महाराज साहब के प्रताप में उन्होंने महिमा में दर्शन करते हुए कल के प्रोग्राम को सभी इलाका निवासी लागले पिंडा में जिथे तक मेरी आवाज़ जाती है सभी को बेनती करता हाँ कि शोभा यात्रा में शामिल होके सतगुरु जी के दरबार की समेत महान पुरशा के सभी संगत परिक्रमिया कर दी हुई इन परिक्रमिया सतगुरु जी के सड़क के जोड़े जाथ पे ने दरबार दिया इन परिक्रमिया के नाल शोभा यात्रा जी चलती रहेगी। सो अल्लाह ये प्रोग्राम मैं दसदा होया साडे बहुत ही प्रेमी स्वामी कृष्णानंद महाराज जी के आज्ञाकारी शिष्य मेहर भगती को बेनती करता हाँ कि सतगुरु पुरी वाले महाराज के दरबार के आनंद का शब्द भी सानू सुना। और कृष्ण भगवान महाराज का अवतार हो रहा है, कृष्ण भगवान महाराज के अवतार के रसीले इन्हों का कंठ बड़ा रसीला है। अवतार संबंधी सानू कुछ शब्द सुना दें, मैं इसी वास्ते वापस इन्होंने शब्द सुन वास्ते पहुंचा हाँ। संगत कुटिया के दरबार विखे भंडारा शुरू हो रहा है, जिन्होंने तो बहुत ज्यादा भुख तंग कर रही है वो तो खैर जाके भोजन पा लैन, नहीं कोई बात नहीं 10-11 बजे तक भोजन उसी तरह चलता रहना है। इस प्रोग्राम को 10 बजे से समाप्त कर देना है। तो इसलिए हम सतगुरु जी के बहुत ही रसीले रसीले शब्द जड़े हैं सतगुरु पुरी वाले महाराज जी के, भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के, भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी की गौ शक्ति जड़ी है उसका भी एक शब्द है मेरे जी सुनाएंगे। तो आप सभी मिलके सभी ध्यान नाल इस कीर्तन को श्रवण करो। बोलिए बंदीशोर महाराज की जय।
तेरी और मारू दस्तक तेरी।